दुनिया में तमाम तरीके के रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें जानने के बाद अक्सर सभी हैरान रह जाते हैं। वहीं आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी ही कुर्सी के बारे में जिसे श्रापित माना जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस कुर्सी को मौत की कुर्सी कहा जाता है। दरअसल एक ऐसी कुर्सी जिस पर बैठने वाले इंसान का निधन हो जाता है, यानी कि वो दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। लेकिन आप भी इस कुर्सी के बारे में सुनकर हैरान रह गए होंगे। बता दें आपको कि इस कुर्सी को शापित माना जाता है। ये कुर्सी इंग्लैंड के सर्कस म्यूजियम में रखी हुई है। कहा जाता है कि इसे जमीन से करीब 6 फीट की ऊंचाई पर रखा गया है, जिससे कि गलती से भी इस पर कोई बैठ ना जाए। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है ये कुर्सी रहस्यमय कुर्सी थॉमस बस्वी नाम के एक शख्स की थी। थॉमस इस कुर्सी पर किसी को बिठाना पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि उनके घर वाले भी इस कुर्सी पर नहीं बैठते थे। ऐसे में उन्हें गुस्सा आ जाता था जब उनकी कुर्सी पर कोई बैठ जाता था। वहीं साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि साल 1702 में थॉमस की इस फेवरेट कुर्सी पर उनके ससुर बैठ गए थे, जिससे वो नाराज हो गए थे और थॉमस ने उन्हें जान से मार दिया था। उसके बाद से इस कुर्सी पर बैठने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। वहीं आपको ये भी बता दें कि जाते जाते जब थॉमस दुनिया को अलविदा कहकर गए, तो जाने से पहले उन्होंने श्राप दिया था कि उनकी इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा उनका निधन हो जाएगा। हालांकि बाद में लोगों ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। वहीं जब आया दूसरा विश्व युद्ध, तो उस दौरान कुर्सी को एक पब में रखा गया, जिसे हॉट सीट का नाम दिया गया था। कहा जाता है कि इस कुर्सी पर बैठने वालों की जब लगातार निधन होने लगा था, तब वहां से इसे हटा दिया गया। तब तक इस पर बैठकर 60 से ज्यादा लोग अपनी जान गवा बैठे थे और ये कुर्सी अभी भी रहस्यमयी बनी हुई है। सो फ्रेंड्स, ये थी वो शापित कुर्सी जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह गए होंगे। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से प्रांशी की रिपोर्ट, और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।